जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। आज का रामायण पाठ सप्त प्रबंध सुवद सुपाना ज्ञान न्याय निरखत मन माना रघुपति महिमा गुण अवादा वर्णव सोई भर बारी अगाधा। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात पीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्वाद महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही सुंदर जल की अथा गहराई है। राम सिये जस सलिल सुदासम उपमा बीची विलास मनोरम पुरी इनी सगन चारु चौपाई जुगुती मंजुमनी सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई कमलिनी हैं और कविता की युक्तियां सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली स्वामी सीपियां हैं। छंद सोरथा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा अर्थ अनूप सुभाव सुभासा सोई पराग मकरंद सुभासा। जो सुंदर छंद सोरथे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पुष्परज मकरंद और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अली माला ज्ञान विराग विचार मदाला दुनिया बदेव कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुवांति। सत्कर्मों के पुंज बोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम आदिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के नवरस जप तप जोग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बिहग समाना संत सभा चहु दिसी अम्बराई श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। सुकृति जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही सरोवर के चारों ओर की अम्बराई है और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विदाना क्षमा दया दम लता बिताना समजम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपम और क्षमा दया और दम लताओं के मंडप है। मन का निग्रह जम नियम ही इनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बहुबरन बिहंगा। इस रामचरित मानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं व्याही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका भागवन सुख सुवंग बिहारू माली सुमन स्ने जल सिंचत लोचन चारु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी दबु सुदशरथ अजर बिहारी मेरे प्रभु राम जय जय राम। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावी जे चरित संवारे ते यही चाताल चतुर कवारे सदा सुनी सादर नर नारी ते सुर वर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषय बग कागा यही सर निकट न जाहि अवागा सम्मुख बेक सेवार समाना यह न विषय कतार स्नाना। जो अति दुष्ट वो विषय है वह अभागे बगुले और कौए हैं। जो इस सरोवर के समीप नहीं
जाते क्योंकि यहाँ गोंगे मेंढक वो सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। तेही कारण आवत ही हारे कामी काग बलाक बिचारे आवत ही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाए। इसी कारण बेचारे कौए और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनके बचन बाघ हरिव्याला ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम सैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगतियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप है। घर के काम का जो गृहस्थी के भांति भांति के जंजाली अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। बन बहु विषम मोह मद माना नदी को तर्क भयंकर नाना मोह मद और मानी बहुत से बेहद बन है और नाना प्रकार के कुतर की भयानक नदियां हैं। ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर सा तिन कहू मानस अगम अति जिन ही न प्रिय रघुनाथ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी दबु सुदशरथ अजर बिहारी मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है वो संतों का साथ नहीं है वो जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है उनके लिए ये मानस अत्यंत ही अगम है। जो कदी कष्ट जाई पुनि कोई जात ही नींद जुड़ाई होई जड़ता जाड़ विषम उर लागा गई उन मजन पाव अवागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है जिससे वहां जाकर भी वह अवागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाए सर मज्जन पावा फिरी आवी समेत अभिमाना जो बोहोरी कौपूषण आवा सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता वह अभिमान सहित लौट आता है और यदि कोई उससे पूछने आता है तो वह सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्याप ही ते नहीं ते ही राम सुकृपा बिलोक ही जेहि सोई सादर सर मजनु करी महा घोर ताप नजरी। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से नहीं जलता है। ते नर जे सर तजी न काऊ जिनके राम चरण बल बाहू जो नहाए चह इही सर बाई सो सत्संग करुण मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वह सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही बही कभी बुद्धि बिमल अभगाही ब्यों हृदय आनंद उषाऊ उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगा कर कभी की बुद्धि निर्मल हो गई हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। चली सुवग कविता सरी सरिता सो राम बिमल जस जल वरिता सो सरजू नाम सुमंगल मूला लोक भेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल जश रूप जल भरा है। इसका नाम सरयू है जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है और लोक मत और भेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी कलिमल तरन तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविद समाजपुर ग्राम नगर दुहकूल संत सवा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी दबु सुदशरथ अजर बिहारी
मेरे प्रभु राम जय जय राम। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। बोल सियापति राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।